देश से विश्वासघात का बड़ा खुलासा। आईएसआई का ये ऐसा मकरजाल है जो हिंदुस्तान को चंद गद्दार हिंदुस्तानियों की ही मदद से अपनी नापाक साजिश में उलझा रहा था। और टेलीफोन एक्सचेंज की तरह इस मकान को इस्तेमाल करते थे, जो विदेशों से आने वाली कॉल को लोकल कॉल के रूप में तब्दील करता था। गांधी, भारती और बलराम, 40,000 में बेचा ईमान। पुलिस के मुताबिक भारत के खिलाफ इस मकरजाल को फैलाने में आईएसआई के मददगारों में भारती भी है और बलराम भी, ध्रुव भी है और गांधी भी। E4 में यह आलीशान मकान मौजूद है। इस मकान में मनीष गांधी नाम के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है। आईएसआई ने मध्य प्रदेश के रहने वाले इन लोगों को कैसे अपना एजेंट बनाया? आईएसआई इन लोगों की मदद से भारत के खिलाफ किस साजिश को अंजाम देने की कोशिश में थी? आज होगा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक्सचेंज प्लान का पर्दाफाश। इस तरीके के एक्सचेंजेस चलाए जा रहे थे जो कि इंटरनेट कॉल्स को सेलुलर नेटवर्क या लैंडलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे बड़े दुश्मन के 11 मददगार बेनकाब। देखिए बड़ा खुलासा, गैंग्स ऑफ गद्दार। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। आज 8 बजे के इस प्रोग्राम में आपको देश की जमीन पर पनप रहे गैंग्स ऑफ गद्दारों से मिलवाएंगे। इस गैंग के 11 गद्दारों का पूरा बायोडेटा आज आपके सामने होगा। सामने रखेंगे कि कैसे हिंदुस्तान के दिल में बैठकर, यानी मध्य प्रदेश में बैठकर, ये देशद्रोही देश के ही सीने में खंजर घोंपने का काम कर रहे थे। इससे पहले कि आईएसआई की साजिश कामयाब होती, ये मकरजाल पकड़ में आ गया। ये वो जाल था जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर से लेकर सतना तक में फैला हुआ था। पहले जरा गौर से इनके चेहरों को आप देख लीजिए। ये वो चेहरे हैं जिन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने का आरोप है। आईएसआई की साजिश, मकसद और इन संदिग्धों के रोल क्या थे, ये बताने से पहले मध्य प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में आए आईएसआई के 11 संदिग्धों को जान लीजिए। नाम ध्रुव सक्सेना, ठिकाना भोपाल, पेशे से इंजीनियर। ध्रुव सक्सेना इसी मकान में रहता था। यहाँ पर आसपास के लोग बताते हैं कि वो दो और लोगों के साथ में रहता था, एक लड़की और एक लड़का उसके साथ में रहते थे। जो आप देख सकते हैं कपड़े जो सूख रहे हैं, उसमें एक लड़की के कपड़े हैं और जेंट्स के भी कपड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि बीती रात में जब एटीएस ने यहाँ पर दबिश दी, तब उसका दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा और ध्रुव सक्सेना को पकड़ा गया। ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए काम करने वाला एक सक्रिय कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। चुनाव में कई तरह का काम उसने किया है। नाम जितेंद्र यादव, ठिकाना ग्वालियर, पेशा टेलीफोन एक्सचेंज चलाता है। जितेंद्र यादव ग्वालियर में भाजपा की पार्षद वंदना यादव का रिश्तेदार है। इसने बीई और एमबीए की पढ़ाई की है। हालांकि जितेंद्र के परिवार वाले आरोपों से इनकार कर रहे हैं। उसे कोई किसी ने गिरफ्तारी नहीं करी, ना वो जहाँ से अपने घर से मेरे सामने बैग लेके गया, कोई यहाँ आए नहीं है, कोई किसी ने दबिश नहीं दी। वो खुद बोल के गया कि मैं भोपाल जा रहा हूँ, उसका कोई संबंध नहीं है किसी से। वो अपनी खदान और अपनी फैक्ट्री को देखता है मेरे साथ। नाम संदीप गुप्ता, ठिकाना जबलपुर, पेशा मोबाइल कंपनी में काम करता है। नाम मनोज भारती, ठिकाना जबलपुर, पेशा डेयरी में काम। नाम बलराम सिंह, ठिकाना सतना, पेशा हवाला ऑपरेटर। 10वीं पास बलराम सिंह मध्य प्रदेश में आईएसआई के इस बड़े रैकेट का सरगना है। इसकी गिरफ्तारी के बाद ही मध्य प्रदेश में इस रैकेट का खुलासा हुआ। नाम मनीष गांधी, ठिकाना भोपाल, पेशे से सिविल इंजीनियर।
तो एक आपको घर दिखाता हूँ, ये आलीशान मकान है अरेरा कॉलोनी में, E4 में आलीशान मकान मौजूद है। इस मकान में मनीष गांधी नाम के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है और इसकी ISI से संलिप्तता समझी जा रही थी। इस मकान में जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं मनीष गांधी BE सिविल है और मकान की कंडीशन देख के आप उसके रहन सहन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाम मोहित अग्रवाल, ठिकाना भोपाल, पेशे से इंजीनियर और टेक्निकल एक्सपर्ट। नाम कुश पंडित, ठिकाना ग्वालियर, पेशा टेलीफोन एक्सचेंज चलाता है। कुश पंडित MCA कर चुका है और जितेंद्र यादव का साथी है जो चेतकपुरी इलाके में जितेंद्र के साथ एक्सचेंज चलाता था। नाम त्रिलोक सिंह भदौरिया, ठिकाना ग्वालियर, पेशा मोबाइल कंपनी में कर्मचारी। नाम जितेंद्र ठाकुर, ठिकाना ग्वालियर। नाम रितेश खुल्लर, ठिकाना ग्वालियर। ISI के संदिग्ध जितेंद्र ठाकुर और रितेश खुल्लर की जन्म और कर्म कुंडली भी पुलिस खंगाल रही है। आगे आपको दिखाएंगे ISI के गैंग्स ऑफ गद्दार का नेटवर्क किस तरह दे रहा था बड़ी साजिश को अंजाम। सबसे पहला नाम अगर गौर से आपने सुना और देखा हो तो गैंग्स ऑफ गद्दारों में था ध्रुव सक्सेना का, जो तस्वीरों में MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच पर नजर आ रहा है, बकायदा BJP की टोपी लगाई हुई है। और आपने सुना, रिपोर्टर ने कहा कि वो चुनाव के काम बहुत सक्रिय तरीके से किया करता था। बहरहाल, इनके बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन ये गैंग कैसे हमारे देश के रक्षा कवच को भेद रहा था ये जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान वाया दुबई ये खतरनाक साजिश होती थी। ये पकड़े गए सभी संदिग्ध टेलीफोन एक्सचेंज की आड़ में सेना की खुफिया जानकारी ISI तक पहुंचाते थे। ये हाईली एजुकेटेड ISI एजेंट्स काम एक्चुअली करते कैसे थे, अब इस पर देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान में ISI के एक्सचेंज प्लान पर बड़ी पड़ताल। लेकिन मध्य प्रदेश में ISI के 11 संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ ISI की इस साजिश का अब पर्दाफाश हो चुका है। मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर कई सारे इस तरीके के नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों के बारे में सेंट्रल एजेंसीज, जम्मू कश्मीर की एजेंसीज, उत्तर प्रदेश की एजेंसीज, दूसरी स्टेट की एजेंसीज के साथ में काम करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की है। पकड़े गए संदिग्ध जासूसों से पूछताछ में मध्य प्रदेश ATS को कई अहम सुराग मिले हैं। ATS के मुताबिक 40,000 की सैलरी में ये संदिग्ध देश से गद्दारी कर रहे थे। ISI से इन्हें हर महीने पैसा मिलता था। आरोपी फोन और ईमेल से भारतीय सेना और सुरक्षा उपकरणों की जानकारी हासिल करने में ISI की मदद करते थे। ISI ही के इशारे पर संदिग्ध भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे थे। ये लोग ऐसे ही अलग अलग जगहों पर एक मकान में रहते थे और टेलीफोन एक्सचेंज की तरह इस मकान को इस्तेमाल करते थे। ये इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करता है जो विदेशों से आने वाली कॉल को लोकल कॉल के रूप में तब्दील करता था और यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों से आसानी से बातचीत किया करता था। टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए कॉलर की पहचान नहीं हो पाती थी। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान में मौजूद ISI के जासूस भारतीय सेना के अफसर बनकर जम्मू कश्मीर में सेना के अधिकारियों को फोन करते थे और सेना से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां जुटाते थे। इन्हीं एक्सचेंजेस के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स भारत में अपने एजेंट से भी संपर्क में थे। मेन ये कि आइडेंटिटी को छुपाना, कि अगर ओवरसीज कॉल आ रही है तो रिसीव करने वाला रिसीव नहीं करता है, तो उस चीज को आइडेंटिटी को छुपाना है इंडियन नंबर्स को डिस्प्ले करते हुए। इस जासूसी नेटवर्क की टो अब से 4 महीने पहले जम्मू में 2 गिरफ्तारियों के साथ लगी थी। पिछले साल नवंबर 2016 में
थाना आरएसपुरा में दो लोग गिरफ्तार हुए थे, सतविंदर और दादू। उनके ऊपर ये आरोप था लोकेशंस का, कैंप्स का, ब्रिजेस का के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे। जम्मू से हुई इन गिरफ्तारियों के बाद सतना के रहने वाले बलराम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। बलराम की गिरफ्तारी के बाद पूरे एक्सचेंज रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। ये भी खुलासा हुआ कि आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले बलराम के कई बैंक्स में खाते हैं, जिनमें हवाला के जरिए पैसा आता था। बलराम ही हवाला से मिला पैसा जासूसी रैकेट के बाकी सदस्यों तक पहुंचाता था। वाले के अकाउंट में दूसरे माध्यमों से पैसा आ रहा था और वो बाहर के हैंडलर बताते थे आपके खाते में इतना पैसा चला गया, उसको लेकर के निकालो। गिरफ्तार लोगों के पास से टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले कई उपकरण भी मिले हैं। इसके अलावा कई मोबाइल फोन्स, सैकड़ों सिम कार्ड्स, सिम बॉक्सेस, लैपटॉप और चाइनीज बॉक्स बरामद हुए हैं। जो टाइम टाइम पर ये लोग कभी भी सेम टेक्निक फॉलो नहीं करेंगे, जो आज किया है वो ये मत समझिए कि नेक्स्ट इंसिडेंट होगा वो तभी वो करेंगे। वो नए नए एवेन्यूज को एक्सप्लॉयट करते रहेंगे, नए नए तरीके उनको उसमें अजमाएंगे वो। इसी साल जनवरी में उत्तर प्रदेश में 11 लोग अवैध टेलीकॉम सेंटर चलाते पकड़े गए थे। इनके तार भी इस रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। आईएसआई की ये नई तरह की साजिश है जो देश की सुरक्षा के नजरिए से बेहद खतरनाक है। ये किस्म की लड़ाई है, जो लड़ाई के कई तरीके हैं, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उसमें शामिल है, उसमें ये भी शामिल है कि किस तरीके से सबवर्ट किया जाए पूरे इलाकों को, लोगों को। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट कर लें आसानी के साथ, जहां भी शक पैदा होता। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पुखराया और रूरा रेल हादसे में भी आईएसआई का हाथ होने के सबूत मिले हैं। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी और भोपाल से संदीप भामरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये गैंग स्पेसिफिकली कैसे काम करता था ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ को आपने सुना, उन्होंने साफ ये बात कही है कि आईएसआई जो है कभी भी एक ही तरीके से काम नहीं करता है। लेकिन भारत में आईएसआई की आतंकी गतिविधियों को फैलाने में पाकिस्तान की सरकार और दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के शामिल होने के सबूत मिले। आज से करीब 3 महीने पहले पाकिस्तान हाई कमीशन का एक अधिकारी जासूसी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। भारत में दिल्ली से कैसे ऑपरेट हो रहा है आईएसआई का नेटवर्क, ये भी आप समझिए। भारत में आईएसआई की साजिश को अंजाम देने के लिए दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन भी एक्टिव मोड पर है। बीते साल 26 अक्टूबर को दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी महमूद अख्तर को दिल्ली पुलिस ने जासूसी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए आईएसआई किस तरह से भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में अपने लोगों को भर्ती कराती है। पाकिस्तान हाई कमीशन में बतौर अधिकारी वो आईएसआई एजेंट पैसे देकर भारत में आईएसआई एजेंट तैयार करता है। आईएसआई एजेंट पाक हाई कमीशन के संबंधित अधिकारियों को गोपनीय सूचनाएं देता है, उसके बाद पाक हाई कमीशन ये सूचनाएं आईएसआई हेडक्वार्टर को देता है। आईएसआई हेडक्वार्टर मिली सूचनाओं को आतंकियों तक पहुंचाता है और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर आतंकी करते हैं भारत पर हमला, पठानकोट और उरी जैसा आतंकी हमला। तो इस किस किस्म की सीक्रेसी रखी जाती है कि कोई भी लोग हैं वो इन आइसोलेशन स्टैंड अलोन मोड के अंदर वो ऑपरेट करते रहते हैं, उनको नहीं मालूम है कि उनका हैंडलर कौन है, नेक्स्ट कौन है। वो इस किस्म के करते हैं जिससे कि वो चीजें लीक आउट नहीं होती। जो पोटेंशियल सोर्सेज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते रहते हैं 24/7 हमेशा, और उनको जरूरी नहीं है कि हर एक एक्टिव हो, उसके अंदर स्लीपर सेल्स होते हैं। हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि आईएसआई भारत में पैन इंडिया रिंग के तहत बड़ी साजिश रच रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत में आईएसआई एजेंट की 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 में शामिल जासूस आईएसआई से सीधे पैसे हासिल करते हैं और इस रकम का इस्तेमाल नया कैडर बनाने और आतंकी कार्रवाइयों में खर्च किया जाता है। आईएसआई एजेंट नए गुर्गों की खोज के लिए देश भर की यात्रा करते हैं। जासूसी में शामिल लोगों को हर महीने पैसे दिए जाते हैं।
आईएसआई नेटवर्क में शामिल एजेंट्स का सीधा कनेक्शन आईएसआई के बड़े अफसरों और पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों के साथ रहता है। आईएसआई के पैन इंडिया रिंग के कैटेगरी 2 में लोकल इन्फॉर्मर शामिल होते हैं। ये खबरी टारगेट की रेखी करते हैं, खुफिया तौर पर टारगेट की तस्वीरें लेते हैं, वीडियो फिल्म बनाते हैं, सेना के मूवमेंट, नए हथियार और अहम ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके लिए बाकायदा इन्हें असाइनमेंट बेसिस पर पैसे दिए जाते हैं। कैटेगरी 3 में लोकल स्लीपर सेल शामिल होते हैं, जिनमें नौजवानों को शामिल किया जाता है। नए जासूसों की भर्ती के लिए ये स्थानीय नौजवान को टारगेट करते हैं। नई भर्ती के बाद जासूसों को 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा जाता है। बांग्लादेश या फिर नेपाल के रास्ते नौजवान आतंक की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाते हैं। भारत में आईएसआई के आतंकी किरायेदार के ग्रुप को तोड़ने के लिए खुफिया एजेंसियां बड़े पैमाने पर दबिश डाल रही हैं। खुफिया एजेंसियों की नजरें यूपी, बंगाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, एमपी और राजस्थान पर भी है, क्योंकि आईएसआई ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक आतंकी किरायेदार सेट कर रखे हैं। भोपाल से संदीप भामरकर और दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ निवृत्ति मोहन, जी मीडिया। आईएसआई का नेटवर्क काम कैसे करता है और कैसे ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं जासूसों को और आतंकियों को, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन आईएसआई जहां से काम करती है उस देश की बात कर लें, पाकिस्तान की, जिसने पिछले दिनों जागते हुए एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि भारत ने एक न्यूक्लियर सिटी बनाई है, बिल्कुल सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी, जिसमें परमाणु बमों का जखीरा है। पाकिस्तान ने जागते हुए देखे इस सपने को बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जिसके बाद उसकी किरकिरी हो गई। हम इसे पाकिस्तान का परमाणु वाला प्रोपेगेंडा यानी परमाणु गेंडा कह रहे हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का परमाणु गेंडा, झूठ की डफली बजाने में माहिर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ परमाणु वाला प्रोपेगेंडा फैलाने की मुहिम छेड़ी है। इसे आप पाकिस्तान का परमाणु गेंडा भी कह सकते हैं। इस मुहिम में पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत ने एक सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी बनाई है, यानी एक ऐसा परमाणु शहर जहां परमाणु बमों का जखीरा है, जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं है। It has a stockpile of fissile material for producing nuclear weapons outside the IAEA safeguard. It is also building a secret nuclear city in South India. अब सवाल ये है कि आखिर जिस सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी के बारे में भारत को पता नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते नहीं, देश के बड़े बड़े परमाणु वैज्ञानिकों को मालूम नहीं, उस पर आतंकी देश पाकिस्तान के दावे को प्रोपेगेंडा या झूठ का पुलिंदा नहीं तो और क्या कहा जाए। These are obviously completely baseless allegations. The so-called secret nuclear city is a complete figment of the Pakistan imagination. India has always been in compliance with its all its international obligations. I also find this a very strange statement. देश के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ परमाणु प्रोपेगेंडा फैलाकर दुनिया का ध्यान उसकी आतंक परस्ती से हटाना चाहता है। हमारे पास न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर केपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, और हमारे सबमरीन से लॉन्च हो सकती है मिसाइल, एयर से लॉन्च हो सकती है, ग्राउंड से लॉन्च हो सकती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम उस बात को छुपा नहीं रहे। पर ये कहना कि सीक्रेट सिटी है और हम उसको प्लूटोनियम इत्यादि बना रहे हैं और उसमें हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर मटीरियल बना रहे हैं, वो जो है सीक्रेटली, ये सब गलत बात है। वो इस तरीके से झूठ को वो अंजाम दे रहा है ताकि लोगों का, दुनिया का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए और उससे अटेंशन अलग हो जाए। आंकड़ों के मुताबिक भारत से ज्यादा परमाणु बम पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। भारत ने अपने परमाणु एजेंडे में नो फर्स्ट यूज की नीति बनाई। 1998 में वाजपेयी सरकार ने नो फर्स्ट यूज नीति के तहत दुनिया को ये भरोसा दिलाया कि भारत परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क परमाणु हथियारों पर नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं अपनाता है।
पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ लगने का बड़ा खतरा है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार प्रॉक्सी वॉर चला रहा है।